जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। अरे लाइन में आइए ना भाई साहब। आप लाइन में आइए प्लीज। सर सर बहुत जल्दी है मुझे प्लीज। यहाँ कौन जल्दी में नहीं है भाई, मुंबई में सबके पीछे शेर पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लाइन तोड़ के है। देखिए सर तो अंधेर नगरी हो जाएगी। मेरी बीवी अस्पताल में, उसका उसका चेकअप चल रहा है। वैसे सर सबमिट करना है, बहुत जल्दी है सर प्लीज। ठीक है चेक लाओ। थैंक यू। ये तुम्हारे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। सर 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 हमेशा यही सिग्नेचर करता हूँ सर, हमेशा यही करता हूँ। देखो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है आप मुझे मत सिखाओ। एक तो आप लाइन तोड़ गए, फिर भी आपकी मुसीबत देख के मैंने आपकी मदद की। अब आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ? आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो, दूसरा चेक ले करो। अरे भाई इनसे मत उलझो, जाके नया चेक ले आओ और आपकी बार लाइन में आना, किसी को शिकायत का मौका मत देना। बैलेंस भी चेक कराना था। 90,000। ₹90,000 बचे हैं अकाउंट में। मैंने बैंक वालों को जो चेक दिया है वो 1,00,000 का है, मतलब 10,000 कम है। कल चेक क्लियरिंग के लिए आ जाएगा। अगर उसे बाउंस होने से रोकना है तो मुझे कल सुबह तक हर हाल में ₹10,000 यहाँ जमा करने होंगे। लेकिन कैसे? अब और ₹10,000 आएंगे कहाँ से? फिर से एक बार माया ममता जय ललिता। अरे काय धूप है बाहर। अगो भाई खाना खाना किसने बनाया? अरे किसने बनाएगा क्या मतलब, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज भी तुम्ही ने बनाया होगा। अब ऐसा क्या करता? अगर मैंने बनाया होता तो मैं आपसे पूछती थोड़ी। देखो सुलोचना मुझे कुछ पता नहीं, थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ और जब से आया हूँ ये खाना यहीं पे लगा रखा था। मैं तो बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था ताकि हम साथ में बैठकर खाएं। सब्जी तो बड़ी अच्छी लग रही है। सच बताइए किसने बनाया खाना? हाँ भाई मैं झूठ क्यों बोलने लगा? 35 साल हो गए आपके साथ गृहस्थी कर रही हूँ, आपको क्या लगता है आप झूठ बोलेंगे तो मैं मान जाऊंगी? और आप भले ही झूठ बोले लेकिन ये खाने का स्वाद मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। चलिए खाना खाते। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है, वैसे भी जो खाना बनाता है ना उसे खाना खाने का मन नहीं होता, खाना खिलाने का मन होता है।
कोई बात नहीं, मुझे बड़ी भूख लगी, मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, खा लो। क्या हुआ? दाल इतनी तीखी तीखी है? अरे ये क्या, इतनी तीखी, ये मिर्ची डाली है इसमें? पानी लो, पहले पी लो। कहाँ भाई इसमें मिर्ची, मिर्ची तो है नहीं इसमें, रोज की तरह बन गया खाना। और वैसे भी मैंने खाना बनाते टाइम इसमें ज्यादा मिर्ची नहीं डाली थी। हाँ मैंने चक्कर भी देखा था कि आप ही ने बनाई है ना। आखिर तुमने झूठ पकड़ ही लिया मेरा। चलो अभी पकड़े गए तो साथ में बैठ के खाना भी खा लेते हैं। हाँ। वैसे सुलोचना तुम्हें एक बात याद है, जब हमारी शादी हुई थी और तुम पहली बार मायके जा रही थी तो मेरे खाने को लेकर तुम कितना परेशान थी। हाँ, और याद है मैंने 2 दिन पहले ही आपको खाना बनाना सिखाया था। हाँ हाँ भाई याद है, तुमने तो बहुत सारी मेहनत की थी लेकिन बावजूद उसके मैं कुछ नहीं सीख पाया था। उस दिन जो मैंने रोटी बनाई थी उसे काटने के लिए तो तुमने अंदर से छुरी लाई थी। और दाल को तड़का देना ही आप भूल गए थे, कुकर से सीधा उठाया और सामने रखा। दाल की बात छोड़ो, चावल को तो हमने खीर समझकर खा लिया था, पी लिया था। आओ जनाब, आओ आराम से आराम से, यहां बैठो, मैं खाना लगाता हूं, इसको दो मुझे। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मानव, इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? अरे अर्चना, वो मैंने अपने दोस्त से लिए और जैसे पैसे आ जाएंगे मैं उसे वापस कर दूंगा। अभी तुम ये पैसे के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, कोई टेंशन मत लो और बस अपना ख्याल रखो और फिलहाल ये खाओ। मानव, रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी रिपोर्ट्स थोड़ी ना आते हैं, उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर भी मैंने एक सीनियर डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लो खाओ। सॉरी अर्चना, झूठ बोला मैंने तुमसे, लेकिन क्या करूं, सच्चाई बताकर मैं तुम्हारी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं मैंने बैंक से पैसे निकालकर गलती की है और अगले 1-2 दिनों में पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो बैंक वालों का चेक फिर से बाउंस हो जाएगा और फिर पता नहीं उसके क्या अंजाम भुगतने पड़ेंगे मुझे। चेक बाउंस होने के जुर्म में कहीं उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो, और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो अर्चना की देखभाल कौन करेगा?
किसके नाम की पूजा करनी है? मानव देशमुख और अर्चना देशमुख। बप्पा, आपकी कृपा से अब तक सब कुछ ठीक हो रहा है। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। बस ऐसी शांति और सुकून की जिंदगी चाहते थे हम। आप ही की कृपा है हम पर। ऐसी बनाए रहेगा आपकी कृपा बप्पा, और कुछ नहीं चाहिए। पप्पा, आपसे तो कोई सच्चाई छुपी नहीं। इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ। अब आप ही इसमें से उबारने की कोई रास्ता दिखाई। अगर आज दिन भर में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और ये बात अर्चना को पता चल जाएगी। मैं उसे खामा का कोई टेंशन नहीं देना चाहता पप्पा। लोगों से झूठ बोलकर माल उठाता है, और जब माल के पैसे देने का वक्त आता है तो हाथ ऊपर खड़े कर देता है, फ्रॉड करता है। चल मेरे साथ। अरे साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। यही है वो, इसीलिए मुझसे माल उठाया और सामने से पेमेंट के तौर पर नकली चेक दे दिया। आज मैंने क्लियरिंग के लिए देखा तो पता चला कि इसका चेक ही बाउंस हो गया। पास होता भी कैसे साहब, इसके बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है साहब। हे भगवान, इस आदमी की तरह बैंक वालों ने मेरे खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट कर दी तो। मानव, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? कुछ नहीं अर्चना, वो मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। दरवाजा खुला रहेगा तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, कोई आता है तो कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। मानव, इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? क्या करूं, मैं पूछूं या नहीं पूछूं? अभी नहीं पूछती, अभी थोड़े परेशान हैं वो। जब उनका मूड बदलेगा तब पूछ लूंगी, अभी इन्हें आराम करने देती हूँ। इसी ने मुझसे माल उठाया और सामने पेमेंट के तौर पर मुझे नकली चेक दे दिया। आज मैंने क्लियरिंग के लिए देखा तो पता चला इसका चेक ही बाउंस हो गया। पास होता भी कैसे साहब, इसके बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है साहब। मानव, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों डरपोकों की तरह घर में छुप कर बैठे हो? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। सामने आई हुई हर मुश्किल का डट कर सामना किया है तुमने, फिर आज ही क्यों? और फिर इस तरह सच्चाई से भाग कर सच्चाई बदलने वाली तो नहीं? अगर पुलिस को आना है तो वो तो आकर ही रहेगी। तुम उससे भाग नहीं सकते मानो, इसलिए उठो, बाहर निकलो और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करो। वही एक रास्ता है तुम्हारे पास। मानव, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही कुछ काम याद आ गया, वही करने जा रहा हूँ। एक सेकंड मानव, क्या हो गया आपको? अब ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ, और अचानक से उठ के बाहर जा रहे हैं। क्या हुआ है मानव? अर्चना, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही है और कुछ नहीं। तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप आराम कीजिए ना घर पे। कहा ना तुमसे, जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। नहीं मानव, आप ठीक नहीं है, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे। क्या छुपा रहे मुझे प्लीज बताइए मानव। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा अर्चना, क्यों छुपाऊंगा? तुमसे कुछ होगा तो तुम्हें बताऊंगा ना। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मानव, तुम क्यों मेरा यकीन नहीं कर रही हो? मैं कह रहा हूँ एक काम है, मैं करके आ रहा हूँ। मानव देखो, अब तुम मुझसे कुछ पूछोगी ना तो मुझे तकलीफ होगी, और मैं मुझे लगता है कि तुम मुझे तकलीफ देना नहीं चाहती हो। बैचू पटकनान। हाँ वही, नहीं यही कपड़ा ना। हाँ अगर आई तू कहाँ सड़क करती, तू बैठ में करती। अगर आओ दे झालब। माले घरात ना कुणाचं लक्षच नाहीये। आज तारीख किती गं?
18 क्यों? मतलब कल 19 और परसों 20। अरे तुम्हें पता है परसों अर्चना और मानव की शादी की सालगिरह है। मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ करना चाहिए। उन दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे हर सुख में दुख में वो शामिल हुए। 2 दिन पहले मानव ने यहाँ आकर इस घर को बचाया। मुझे ऐसा लगता है हमें उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वैसे भी ये सालगिरह अर्चु के लिए बहुत खास होगी, क्योंकि इस साल उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, मेरी अर्चु माँ बनने वाली है। तो क्यों ना हम छोटी सी पार्टी रख के उसकी खुशी दुगनी कर देंगे, ठीक है? हाँ, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, हमारे घर में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं और पैसों की भी कितनी तंगी है। ऐसे में इस बार मैं फाइनेंशियली आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मंजू, हमें तुम्हारी मदद की नहीं शुभकामनाओं की जरूरत है। वो तो तुम दे सकती हो ना? आई भाई ने सही तो कह रही है ना। माना कि उन दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर आई अभी वो समय नहीं है। तू जानती है ना हमारी कंडीशन क्या है। थोड़े दिन रुक जाते हैं, फिर सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता है, हर दिन का अपना एक महत्व होता है, अहमियत होती है। सालगिरह हम उसी दिन मनाएंगे। और पैसों की चिंता तुम दोनों मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक अर्चु की हर खुशी का ख्याल मैंने रखा है। वो सामने से कुछ नहीं मांगेंगी। अरे खुशियां तो क्या, वो अपनी जरूरत की चीजें भी हमसे कभी नहीं मांगती, लेकिन मैं उसके मन की हर बात समझती हूँ। और आजकल अर्चु जिस दौर से गुजर रही है, उसे हमारे प्यार हमारी शुभकामनाओं की जरूरत है, और वो हम उसे जरूर देंगे। ठीक है। इतनी देर हो गई, मानव अभी तक नहीं आए। लगता है बहुत नाराज है मुझसे। जब वापस आएंगे ना तो मैं कैसे भी करके उन्हें मना लूंगी, माफी मांगूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मानव आप आ गए? मानव आप आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आइए जल्दी बैठिए। ये देखिए, कैसे लगे आपको मानव? बहुत अच्छे। लेकिन तुमने क्यों इकट्ठे किए? बस ऐसे ही मानो बस मैं ये इन बच्चों को देख देख कर ये कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे घर पे जो भी मेहमान आने वाला है वो कैसा होगा। और तुमने कल्पना क्या की? वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है और उसने मुझसे कहा है कि ये बात किसी को ना बताओ। हाँ, अपने बाबा को भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं, खुद ही पूछ लीजिए। मतलब? चलो ठीक है, खुद ही पूछ लेता हूं। हाँ? अच्छा, ये तो कह रहा है कि मेरी आई झूठ बोल रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, और क्या? तो और क्या बोल रहा है ये? वो कह रहा है कि उसे जल्दी से जल्दी अपने बाबा से मिलना है। मानव, आई बनने का एहसास कितना अच्छा होता है ना, हम सारी परेशानियाँ सारी मुश्किलें भूल जाते हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे हमें एक नई जिंदगी मिल गई हो।
एक बात कहूं? हाँ बोलो। अब गुस्सा तो नहीं होंगे ना? क्या बात है? मानो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी कि वर्षों के साथ जो कुछ भी हुआ, जाने अनजाने वो हमारी वजह से हुआ है, और मैं उसे वो खुशियां फिर से लौटाना चाहती हूँ किसी भी तरह। हम क्या कर सकते हैं अर्चना? मानव, मुझे ऐसा लगता है हमें एक बार अनाथाश्रम जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए, शायद वो हमारी बात समझ लें। लेकिन अर्चना, हमारी बात क्यों समझेंगे वो अनाथ आश्रम वाले? ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता है मानव, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। हम उनसे बात करके देखते हैं ना, अगर वो लोग नहीं माने तो फिर हम कोई और रास्ते का सोचेंगे। एक बार कोशिश करनी चाहिए मानव, प्लीज। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीक